तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह सभी अपनी शॉप्स ओपन करने में लगे हुए थे और हम लोग सुबह 8 बजे उठ के तैयार व्यार हो के दर्शन के लिए निकल गए थे। और हम लोगों ने पहना था रेड कलर का ये नया नया सूट और मम्मी निकल गई थी ये दर्शन करने के लिए पूजा की थाली और टोकरी हाथ में लेके। और ये है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर का द्वार और हम लोग दर्शन के लिए एकदम तैयार थे और दर्शन हमने। तो मम्मी काफ़ी हैरान परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्वाला देवी का मंदिर ढूंढना था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर काफ़ी भगवानों के हैं। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह चौक में लोग बैठ के अपनी पूजा करा रहे हैं। काफ़ी सारे पंडित होते हैं जो अलग अलग पूजा करा रहे होते हैं। तो ये देखिए जगह जगह तैयारी हो रखी थी, लोग अपने पूजा करा रहे थे। तो हम लोगों ने सबने दर्शन कर लिए हैं गाइस, तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं आज सुबह भी। पापा बहुत देर से मिल नहीं रहे थे, इतनी देर से मिल रहे तो मम्मी को चैन आया। जय हो जागेश्वर नाथ। तो ये दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव हैं एवं माता पार्वती हैं। देखने में ये वृक्ष तो ऐसा लगता है मानो कि ये शिव जी के पाँव हों और पार्वती जी के पाँव हों जो एक साथ इकट्ठे मिलके खड़े हुए हैं और ऊपर जाके वो एकदम जुड़ जाते हैं, जैसे कि मानो खुद ही भगवान हमें प्रतीत हो रहे हों। तो तेज़ बारिश के चलते यहाँ पे मंदिर के कुछ हिस्सों में ये ब्लू कलर की पन्नी डाल रखी थी जिससे छांव कर रखी थी क्योंकि यहाँ पे लोग इसके नीचे बैठ के पूजा करा रहे थे। और ये है मंदिर के ऊपर से दृश्य मंदिर का, जहाँ से सारे मंदिर दिख रहे थे हमको और बहुत सुंदर। सच मानिए तो एकदम केदारनाथ मंदिर जैसी फीलिंग आती है कि हाँ सच में केदारनाथ पहुँच गए हो। चीनू मीनू की चाची, हेलो गाइस, हमारी पटाका चाची गाइस, पद्मा चाची नहीं पटाका चाची है ये, देखिए देखिए इनको। हाँ देखिए बहुत खूबसूरत है हमारी लाल साड़ी वाली लेडीज, लाल परी, लाल परी बनी हुई है ये, कोई कहेगा ये सास भी बन गई है। तो गाइस ये जो पुल बना हुआ है यहाँ पे, ये अभी 3-4 दिन की बारिश में ये पूरा ये सारा भूस्खलन हो गया था, ये सब ढह गया था। यहाँ पे टेम्परेरी पुल बनाया है और वहाँ पे चल रहा है भंडारा, सीन तो काफी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लगा हुआ मेला। तो नीचे भंडारे की स्टार्टिंग हो चुकी थी और हम लोग दर्शन करके आ चुके थे और उसके बाद पापा और ताऊजी तो पापा और ताऊजी लग गए थे काम पे और वो लोग खिलाने लगे थे भंडारा। पापा दे रहे थे सब्जी और ताऊजी यहाँ पे भी दे रहे थे सब्जी और उसके बाद पापा देने लगे हलवा। तो खाना तो इतना टेस्टी बना था, मतलब बहुत ही टेस्टी, कहते हैं ना भंडारे का खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो सच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और इन लोगों को सेवा करने का मौका मिला तो ये लोग काफ़ी लकी है।
और खाने में क्या क्या था बता देती हूँ। सूजी का हलवा था और छोले थे, गंगा फल था, टमाटर आलू की सब्ज़ी थी, मेवे वाली खीर थी, पूड़ी थी, कचौड़ी थी, रायता था और पुलाव था। तो खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और सच में ये देखिए, ये हमारा पोस्टर लगा हुआ है, बरेली वालों का विशाल भंडारा। हर साल सावन में ये भंडारा कराया जाता है। और ये देखिए, लाइन से सबको दिया जा रहा है खाना, और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ के खा रहे थे, और यहाँ पे भी पोस्टर लगा हुआ था, तो हम लोग भी खाना खा चुके थे। बाकी काफ़ी खुशी का माहौल लग रहा था सारे बच्चों में भी। ये देखिए, सब वापस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक्चुअली हमारी जो कार थी वो बाहर दूर 2 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी हुई थी, क्योंकि अंदर लोकल की कार्स नहीं आ सकती हैं क्योंकि काफ़ी जाम लग जाता है। तो हम लोगों को वहाँ से लेनी थी टैक्सी, और सब लोग तैयार थे सामान वामान उठा के अपना, सब वेट कर रहे हैं सबके आने का, ताकि सब इकट्ठे हों फिर जाएँ हम लोग। तो सब लोग चल दिए अपनी अपनी मंजिल पर। और ये देखिए, मेरे पापा का फेविक्विक, पापा का प्यारा सा बच्चा टुक टुक उनके साथ ही पीछे पीछे लगा रहता है। देखिए, टुक टुक पापा का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। ये देख लें आप लोग, उसकी तो बनाई नहीं है। काफी इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग आ रही है इससे निकल के, आजादी वाली फीलिंग आ रही है। जो भी निकला है आजाद फील कर रहा है, काफी आजाद। ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, इसका दूसरा पार्ट आएगा कल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।